टॉप 5 बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन अंडर 20,000। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो गाइस, जो मोटोरोला स्मार्टफोन कंपनी है ना, वो अपना टॉप नॉइज लेवल क्लीन यूएस स्टॉक एंड्रॉइड वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन के लिए जाना जाता है। तो गाइस, अगर आप भी लेना चाहते हो एक मोटोरोला का स्मार्टफोन 15,000 से लेकर 20,000 के अंदर, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च एनालिसिस रिव्यू करने के बाद टॉप 5 बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। ये सारे स्मार्टफोन में क्लीन यूआई के साथ साथ पावरफुल लेवल का प्रोसेसर मिल जाएगा, तगड़ा कैमरा क्वालिटी के साथ अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप भी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आती है मोटोरोला की तरफ से G62 5G। गाइस, 15,000 के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो जिसके अंदर क्लीन यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ स्टॉक एंड्रॉइड और तगड़ा स्पेसिफिकेशन मिले, तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बात किया जाए स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की, 6.55 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 650 नीट पिक ब्राइटनेस, 240 का स्टार स्टेबिलिटी रेट, पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाती है। और बात किया जाए स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की, क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिल जाता है, 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर का बेस्ट है, 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आ जाती है, 12 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। कैमरा का बात किया जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओगे, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 20W चार्जिंग को, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाती है, IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आएगा। बात किया जाए स्मार्टफोन का प्राइस का, 6GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 13,999 रुपीज में। नंबर 4 पे आती है मोटोरोला की तरफ से G73 5G। गाइस, 17,000 के आसपास एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात किया जाए स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की, 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 600 नीट पिक ब्राइटनेस, 240Hz का टच सैंपलिंग रेट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात किया तो मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 930 का 5G चिपसेट मिल जाती है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है, 420,000 के आसपास 32 को निकल जाती है, 13 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाती है। 1080p 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक देने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 30W फास्ट चार्जिंग को, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाती है, IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, NFC का सपोर्ट मिल जाती है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है। प्राइस का बात किया जाए तो 8GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 16,999 रुपीज में। नंबर 3 पे आती है मोटोरोला की तरफ से G54 5G। गाइस, 15,000 का अगर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात किया जाए स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की, 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 560 नीट पिक ब्राइटनेस, 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात किया तो मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7020 का 5G चिपसेट मिल जाती है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है, 470,000 के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल जाती है, 5G का सपोर्ट मिल जाएगा, पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात करें तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलती है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और 6000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग को, 6 नैनोमीटर के पावर एफिशिएंट प्रोसेसर मिल जाती है, इजीली 2 दिन तक बैटरी चल जाएगा, IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाती है, NFC का सपोर्ट और FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाती है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है। और प्राइस की बात किया जाए तो 8GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 15,999 रुपीज में, डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर मिल जाएगा स्मार्टफोन। नंबर 2 पे आती है मोटोरोला की तरफ से G82 5G। गाइस, आपका प्राइस 20,000 के आसपास है तो आप लोग ये स्मार्टफोन को देख सकते हो। और स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस 10 बिट POLED डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 360Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है और ये स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है। और परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिल जाती है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्टोर निकल जाती है, 14 5G का सपोर्ट मिल जाएगा।
ये स्मार्टफोन में अच्छा सा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात कीजिए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है, 1080p पे 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 30W फास्ट चार्जिंग को। डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाती है। IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आएगा। बात किया स्मार्टफोन का प्राइस का, 6GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 20,000 के अंदर। नंबर 1 पे आती है मोटोरोला की तरफ से G84 5G। गाइस ये स्मार्टफोन न्यू ही लॉन्च हुआ है, 20,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बोल सकते हैं। आप लोग चाहे तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात की जाए स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की। 6.55 इंच का फुल HD प्लस 10 bit POLED डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 240Hz टच सेंसिटिविटी रेट, 1300 nit पिक ब्राइटनेस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात किया तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 695 का 5G चिपसेट मिल जाती है जो 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल जाती है। 14 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। कैमरा का बात करें तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलती है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है। 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 30W फास्ट चार्जिंग को। डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर, IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है। FM रेडियो NFC का सपोर्ट। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। 2 साल का मेजर अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है। और प्राइस की बात की जाए तो 12GB रैम 256GB मेमोरी मिल जाएगा 19,999 रुपीज़ में।